हाय दोस्तों, नमस्ते। मैं आनंदी, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्वास्थ्य निर्भर में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एकदम खुश होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि आपके गर्दन पे चाहे काला दाग हो, चाहे प्राइवेट पार्ट के एरिया पे काला दाग हो, चाहे जो अंडर गारमेंट्स के जो एरिया होता है, अगर उस पर काला दाग पड़ गया हो बहुत दिनों से, उस पर अगर जो गंदगी अगर जम गई है, तो उसको किस तरह से हम साफ करें। इस वीडियो में आपको नेचुरली तरीके से कुछ ऐसे खास नुस्खे बताने वाले हैं, जिससे कि आपके वो जो दाग होते हैं वो तो साफ हो जाएंगे, साथ ही अगर वहाँ पर ऐसे कुछ जिद्दी ऐसे पिम्पल्स निकल जाते हैं जो कि आपको उससे दर्द होता है, उस पिम्पल से ऐसे पानी जैसा निकलने लगता है, तो उससे भी आपको उस जो पानी निकलने लगता है तो उस पानी के इन्फेक्शन के द्वारा से और ज़्यादा पिंपल्स निकल जाते हैं। तो ये जो नुस्खा है ना, आपके इस नुस्खे से आपके जो प्रॉब्लम है बहुत ही आसानी से दूर हो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि हमारे वीडियो को एंड तक देखना है, वॉच करना है, तभी आपको इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगी। गाइस, हम आपको बता देते हैं, लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, जो हमारे बाहरी अंग का जो त्वचा होता है उसको हम अच्छे से साफ करते हैं, अच्छे से साबुन लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, मॉइस्चराइजर लगाते हैं, ताकि हमारे जो स्किन है बाहर की अच्छी दिखे, मुलायम रहे, सुंदर रहे। लेकिन अगर उसी तरीके से हम अपने अंदरूनी त्वचा की अगर देख रेख करें तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। गैस, हम आपको बता देते हैं, जो लोग अपने प्राइवेट पार्ट के एरिए के काले दाग को साफ़ करने के लिए, चाहे जो क्यूनी होता है इसके दाग को साफ़ करने के लिए, जो अंडर गारमेंट्स होते हैं वहाँ के जो दाग को साफ़ करने के लिए, बहुत लोग जो मार्केट से जो ब्यूटी क्रीम आती है और जो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं जो कि उसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसका असर होता है, लेकिन धीरे धीरे आपको इसका असर दिखाता है। बहुत लोग इससे इन्फेक्शन हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, जलन खुजली होने लगता है, सबको सूट नहीं करता है। तो इसलिए आज इस वीडियो में जो हम आपको नुस्खा बताने वाले हैं ना, इससे आपको कोई भी इन्फेक्शन नहीं, कोई भी नुकसान नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। नेचुरल घरेलू उपाय है, इससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा, इसका रिजल्ट भी आपको बहुत ही अच्छा और सही देखने को मिलेगा। तो गैस, हम आपको पहला पॉइंट बता देते हैं कि पहला नुस्खा यह है कि आपको लेना है बादाम का तेल, और दूसरा है कि एलोवेरा जेल। जी हाँ, आपको एक चम्मच एलोवेरा जेल ले लेना है, दो चम्मच आपको बादाम का तेल ले लेना है। इन दोनों को अच्छे से एकदम मिक्स कर लेना है। आपको मिक्स कब तक करना है? 2 मिनट तक कंटिन्यू उसको फेंटते रहें, मिक्स करते रहें, क्योंकि जब उसमें अच्छे से जब झाग निकल जाए ना, तो वही आपको अपने जो जो भी प्राइवेट पार्ट के एरिया हो, चाहे अंडर गारमेंट्स के एरिया हो, चाहे जो केहनी होता है यहाँ के एरिया हो, जो पैरों के जो गुट्ठी होती है वहाँ के एरिया हो, आप कहीं पर भी हो, चाहे ये गर्दन होता है, गर्दन के पीछे का जो एरिया होता है, अगर वहाँ काला पड़ गया, तो इस हर शरीर के किसी भी अंग के काले एरिया को साफ करने के लिए नुस्खा बहुत ही परफेक्ट माना जाता है। इससे आपके वो स्किन जो होती है मुलायम रहेगी, खुरदुरी बिल्कुल भी नहीं रहेगी, क्योंकि उस एरिया पे क्या होता है कि गड्ढे तो मतलब काले तो दाग पड़ ही जाते हैं, साथ ही खुरदुरा सा हो जाता है वहाँ का स्किन। तो अगर इस नुस्खे को आप इस ट्राई करते हैं ना, आप इसको रोज़ाना कंटिन्यू लगा सकते हैं, इसको आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप रोज़ाना नहाने से आधे घंटे पहले इसको लगा के मॉइस्चराइजर करें, इससे आपके धीरे धीरे जो स्किन डार्क है ना, वो धीरे धीरे साफ़ होने शुरू हो जाएगी नेचुरली तरीके से। तो गाइस, दूसरा नुस्खा ये है कि आपको लेना है नारियल का तेल, और उसमें डाल लेना है जो नींबू होता है, नींबू का आधा भाग पूरा कटा हुआ उसका रस उसमें मिक्स कर लेना है। नारियल का तेल आपको 2 चम्मच लेना है, ठीक है। आपको अपने जो भी एरिया है काले दाग वहाँ पे लगा के अच्छे से मसाज करें, मसाज करते करते आपको कम से कम 10 मिनट तक करना है। जो फर्स्ट वाला नुस्खा बताइए उसको भी आपको कम से कम 10 मिनट तक करना है, और जो सेकेंड वाला बता रही हूँ इसको भी आपको कम से कम 10 मिनट तक करना है। इसको करने के बाद आप जब नहाने जाते हैं तो इसको अच्छे से साफ कर सकते हैं, ठीक है। हल्के गुनगुने पानी से अगर साफ करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, इसका रिजल्ट भी आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। इस नुस्खे से किसी को कोई भी साइड इफेक्ट या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इससे आपके जो एरिया ने बहुत ही जल्दी साफ हो जाएंगे। और अगर इस नुस्खे को आप अपने चेहरे पे भी लगा सकते हैं, जैसे कि अगर आपके चेहरे पर दाग पिंपल झाइयाँ निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकल रहे हैं, या फिर खुजली होती है ना चेहरे पर, जैसे जब पिंपल निकल जाते हैं तो खुजली होती है, इन दोनों जो नुस्खे हमने आपको बताए इन दोनों में से कोई एक चॉइस करके लगा सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी आपको इससे एलर्जी, इन्फेक्शन या खुजली या साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं होगा, नेचुरल और 100% सटीक नुस्खा है। आयो के जो छोटा सा टिप्स हमने आपको बताया पसंद आया हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, ताकि वो भी अपने अंडर गारमेंट्स की या प्राइवेट पार्ट के या फिर गर्दन के या घुट्टी के जो भी दाग हैं आराम से अच्छे से साफ कर सकें। तो चलिए, मैं मिलती हूँ किसी एक अलग नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।